नई आशाएं और नई खुशियों के साथ हुई होगी। आज आप सभी से कुछ विशेष निवेदन करना चाहता हूं। इस वार्ता में कुछ गंभीर विषय, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपसे साझा करूंगा। आपको ध्यान होगा कि जब आपने 2014 मई में हमें जिम्मेदारी सौंपी थी, तब विश्व की अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स के संबंध में यह आम चर्चा थी कि ब्रिक्स में जो आई अक्षर है, जो कि आई अक्षर इंडिया से जुड़ा हुआ है, लोग कहते थे कि ब्रिक्स में जो आई है वो लुढ़क रहा है। लगातार 2 साल के देशव्यापी अकाल के बावजूद भी पिछले 2.5 वर्षों में आप सब 125 करोड़ देशवासियों के सहयोग से आज भारत ने ग्लोबल इकोनॉमी में एक ब्राइट स्पॉट अर्थात चमकता सितारा के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। ऐसा नहीं है कि यह दावा हम कर रहे हैं, लेकिन यह आवाज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF और वर्ल्ड बैंक से गूंज रही है। बहनों भाइयों, विकास की इस दौड़ में हमारा मूल मंत्र रहा है सबका साथ सबका विकास। यह सरकार गरीबों को समर्पित है और समर्पित रहेगी। गरीबी के खिलाफ हमारी लड़ाई का मुख्य शस्त्र गरीबों का देश की अर्थव्यवस्था एवं संपन्नता में सक्रिय भागीदारी यानी गरीबों का सशक्तिकरण, गरीबों का एम्पावरमेंट। इस प्रयास की झलक आप लोगों को प्रधानमंत्री जनधन योजना, जनधन से जन सुरक्षा योजना, आर्थिक गतिविधियों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना, दलित आदिवासी और महिला उद्यमों के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना, गरीबों के घर तक गैस का चूल्हा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, किसानों की आमदनी सुरक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उनको अपने खेतों से ही सही उपज पाने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड योजना और सही उपज का सही दाम पाने के लिए ई नाम अर्थात राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना, इन सब में ये साफ नजर आता है कि सरकार गांव गरीब किसान को समर्पित है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले दशकों में हम ये अनुभव कर रहे हैं कि देश में भ्रष्टाचार और काला धन, इन बीमारियों ने अपनी जड़ें जमा ली है और देश से गरीबी हटाने में ये भ्रष्टाचार, ये काला धन, ये गोरख धंधे सबसे बड़ी बाधा है। एक तरफ तो विश्व में हम आर्थिक गति में तेजी से बढ़ने वाले देशों में सबसे आगे हैं, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार की ग्लोबल रैंकिंग में 2 साल पहले भारत करीब करीब 100वें नंबर पे था।
पिछले वर्षों में अनेक कदम उठाए, ढेर सारे कदम उठाने के बावजूद भी अब हम 76वें नंबर पर पहुंच पाए हैं। यह बात को दर्शाता का है कि भ्रष्टाचार का जाल कितने व्यापक रूप में देश में बिछा हुआ है। भ्रष्टाचार की बीमारी को कुछ वर्ग विशेष के लोगों ने अपने स्वार्थ के कारण फैला रखा है। गरीबों के हक को नजरअंदाज कर ये खुद फलते फूलते रहे हैं। कुछ लोगों ने पद का दुरुपयोग करते हुए इसका भरपूर फायदा उठाया। दूसरी तरफ ईमानदार लोगों ने इसके खिलाफ लड़ाई भी लड़ी है। देश के करोड़ों नागरिकों ने ईमानदारी को जी करके दिखाया है। हम प्रायः यह सुनते हैं कि गरीब एक ऑटो ड्राइवर अपनी गाड़ी में छूट गई सोने के आभूषण वाले बैग को उसके असली मालिक को कैसे ढूंढता है और लौटाता है। कई बार हम सुनते हैं कि कोई टैक्सी ड्राइवर यात्रियों का कुछ सामान अगर छूट जाता है, मोबाइल फोन रह जाता है, तो अपने खर्चे से उनको ढूंढने जाता है और पहुंचा देता है। अरे सब्जी बेचने वाला भी, सामान्य दुकानदार भी अगर ग्राहक से गलती से ज्यादा पैसे ले लिए तो उसको भी बुला करके लौटा देता है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस बात का ही सबूत है कि हिंदुस्तान का सामान्य से सामान्य नागरिक ईमानदार है। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, हर देश के विकास के इतिहास में ऐसे क्षण आए हैं जब एक शक्तिशाली और निर्णायक कदम की आवश्यकता महसूस की गई। इस देश ने यह वर्षों से महसूस किया है कि भ्रष्टाचार, कालाधन, जाली नोट और आतंकवाद ऐसे नासूर हैं जो देश को विकास की दौड़ में पीछे धकेलती है। देश को, समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आतंकवाद की भयानक तो कौन नहीं जानता है। कितने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इन आतंकियों को पैसा कहां से मुहैया होता है? सीमा पार के हमारे शत्रु जाली नोटों के जरिए, नकली नोटों के जरिए अपना धंधा भारत में चलाते हैं और यह सालों से चल रहा है। अनेक बार 500 और 1000 रुपये की जाली नोटों का कारोबार इसके करने वाले भी पकड़े गए हैं। लाखों करोड़ों की नोटें भी जब्त की गई हैं। बहनों भाइयों, एक तरफ आतंकवाद और जाली नोटों का जाल देश को तबाह कर रहा है, दूसरी ओर भ्रष्टाचार और काले धन की चुनौती देश के सामने बनी हुई है। हमने कार्य संभालने के तुरंत बाद भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत करते हुए अनेक प्रभावी कदम उठाए, जैसे काले धन की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में एसआईटी का गठन किया। विदेशों में जमा काले धन के लिए 2015 में मजबूत कानून बनाने का हमने काम किया। काले धन को विदेशों से वापस लाने के लिए विभिन्न देशों के साथ टैक्स समझौतों में हमने परिवर्तन किया, नए समझौते किए। अमेरिका सहित विभिन्न देशों के साथ सूचना आदान प्रदान, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का प्रावधान किया।
भ्रष्टाचारियों की बेनामी संपत्ति को रोकने के लिए अगस्त 2016 में एक और मजबूत कानून, इन सारे कानून से एक बहुत बड़े चोर दरवाजे को बंद कर दिया गया। देश में अघोषित आय को पेनल्टी के साथ घोषित करने की योजना में काफी बड़ी मात्रा में अघोषित आय उजागर हुई। मेरे प्यारे देशवासियों, इन सारे प्रयासों से पिछले 2.5 साल में भ्रष्टाचारियों से करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपया, ये कम रकम नहीं है, 1.25 लाख करोड़ रुपये का काला धन बाहर लाया गया है। ऐसे करोड़ों भारतवासी जिनके रग रग में ईमानदारी दौड़ती है, उनका मानना है कि भ्रष्टाचार, काले धन, बेनामी संपत्ति, जाली नोट और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई होनी चाहिए। कौन ईमानदार नागरिक ऐसा होगा जिसे अफसरों के घर बिस्तर के नीचे से या जगह जगह बोरियों में करोड़ों रुपयों पाने जाने की खबर से पीड़ा न होती हो। आज देश की मुद्रा व्यवस्था का हाल यह है कि देश में कुल सिक्कों और नोटों की जो मूल्य है उसमें 500 और 1000 रुपया वाले नोटों का हिस्सा लगभग 80 से 90% तक पहुंच गया है। देश में कैश का अधिकतम सर्कुलेशन का एक सीधा संबंध भ्रष्टाचार से है। भ्रष्टाचार से अर्जित कैश का कारोबार महंगाई पर बड़ा असर पैदा करता है, इसकी मार गरीबों को झेलनी पड़ती है, इसका सीधा प्रभाव गरीब और मध्यम वर्ग की खरीदने की शक्ति पर पड़ता है। आपका भी स्वयं का अनुभव होगा, जब मकान खरीदने जाते होंगे, जमीन खरीदने जाते होंगे, तो आपसे जब सौदा होता होगा तब कहते होंगे कि कुछ धन चेक में लेंगे और ज्यादातर कैश में मांगी जाती होगी। ईमानदार व्यक्ति के लिए कुछ भी खरीदना, एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति को घर भी खरीदना हो तो उसके पास काले धन नहीं है तो मुसीबत हो जाती है। तो उसके पास कैश के इस धंधे के कारण मकान, जमीन, उच्च शिक्षा, चिकित्सा, ऐसे अनेक सेवाओं को, उन वस्तुओं को इन कारणों से उनके मूल्य में कृत्रिम वृद्धि भी होती है, आर्टिफिशियल इंक्रीज होता है। भ्रष्टाचार से जमा किया गया धन हो या काला धन हो, ये दोनों बेनामी हवाला कारोबार को भी बल देते हैं। और हम जानते हैं हवाला का उपयोग आतंकियों ने हथियार की खरीद फरोख्त में भी किया है। चुनावों में काले धन के प्रभाव की चर्चा ये कोई नई बात नहीं है, वर्षों से हो रही है। बहनों और भाइयों, देश को भ्रष्टाचार और काले धन रूपी दीमक से मुक्त कराने के लिए एक और सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये
और 1,000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1,000 रुपये के पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज नहीं होगी। काले धन और जाली नोट कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये 1,000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। ऐसे नागरिक जो संपत्ति मेहनत और ईमानदारी से कमा रहे हैं, उनके हितों की और उनके हक की पूरी रक्षा की जाएगी। ध्यान रहे कि 100 रुपये 50 रुपये 20 रुपये 10 रुपये 5 रुपये 2 रुपये और 1 रुपया का नोट और सभी सिक्के नियमित है और लेन देन के लिए उपयोग हो सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। हमारे यह कदम देश में भ्रष्टाचार, काला धन एवं जाली नोट के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सामान्य नागरिक जो लड़ाई लड़ रहा है, उसको इससे ताकत मिलने वाली है। इन दिनों में देशवासियों को कम से कम तकलीफ का सामना करना पड़े, इसके लिए हमने कुछ व्यवस्था की है। 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोट 10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक आप अपने बैंक या डाकघर पोस्ट ऑफिस के खाते में बिना किसी सीमा के जमा करवा सकते हैं। आपके पास लगभग 50 दिनों का समय है, अतः नोट जमा करने के लिए आपको अफरा तफरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी धनराशि आप ही की रहेगी, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। 500 रुपये या 1,000 रुपये के पुराने नोटों को खाते में डालकर आप अपनी जरूरत के अनुसार फिर से निकाल सकते हैं। केवल शुरू के दिनों में खाते में से धनराशि निकालने पर प्रतिदिन 10,000 रुपया और प्रति सप्ताह 20,000 रुपये की सीमा तय की गई है। ऐसा नए नोटों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस सीमा में आने वाले दिनों में वृद्धि कर दी जाएगी। खाते में जमा करने की सुविधा के साथ साथ एक दूसरी सुविधा भी दी जा रही है। तत्काल आवश्यकता के लिए 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को नए एवं मान्य नोट के साथ 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक आप किसी भी बैंक या प्रमुख और उप डाकघर, हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस के काउंटर से अपना पहचान पत्र, जैसे कि आधार कार्ड, मतदाता कार्ड यानी कि वोटर कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड इत्यादि सबूत के रूप में पेश करके आप नोट बदल सकते हैं। प्रारंभ में 10 नवंबर से 24 नवंबर तक 4,000 रुपया तक के
पुराने 500 एवं 1000 रुपये के नोट बदले जा सकते हैं। 15 दिनों के बाद यानी 25 नवंबर से 4000 रुपये की सीमा में वृद्धि कर दी जाएगी। ऐसे लोग जो इस समय सीमा के अंदर अर्थात 30 दिसंबर 2016 तक पुराने नोट किसी कारणवश अगर जमा नहीं कर पाए, उनको 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बदलने का एक आखिरी अवसर भी दिया जाएगा। ऐसे लोग रिजर्व बैंक के निर्धारित ऑफिस में अपनी राशि एक घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ 31 मार्च 2017 तक जमा करवा सकते हैं। 9 नवंबर और कुछ स्थानों में 10 नवंबर को भी एटीएम काम नहीं करेंगे। प्रारंभ में एटीएम से प्रति कार्ड प्रतिदिन निकाली जा सकने वाली राशि की सीमा 2000 रुपया रहेगी, फिर उसे कुछ अवधि के बाद बढ़ाकर। वैसे तो 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट आज रात्रि 12 बजे से कानूनी तौर पर खत्म हो जाएंगे, परंतु सामान्य जनजीवन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मानवीय दृष्टिकोण से हमने इस प्रक्रिया में शुरू के 72 घंटों में यानी कि 72 आवर्स, मतलब कि 11 नवंबर की रात्रि 12 बजे तक नागरिकों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था की है। जैसे 11 नवंबर की रात्रि 12 बजे तक सभी सरकारी अस्पतालों में भुगतान के लिए पुराने 500 या 1000 रुपये के नोट स्वीकार किए जाएंगे। इससे वैसे परिवार जिनमें कोई बीमार है उन्हें उपचार में कोई बाधा ना आए, ऐसे में यदि दवाई की दुकान की व्यवस्था है, तो डॉक्टर के दिए गए पर्चे पर 500 और 1000 के पुराने नोटों से दवा खरीदने की सुविधा भी 72 घंटे तक उपलब्ध रहेगी। ऐसे ही 11 नवंबर की रात्रि 12 बजे तक रेलवे के टिकट बुकिंग काउंट किया है जो इस समय यात्रा कर रहे होंगे। केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित कोऑपरेटिव की दिनचर्या की वस्तुओं की दुकान जैसे केंद्रीय भंडार, सफल और दुग्ध विक्रय केंद्र, मिल्क पावर, ऐसे स्थानों पर भी 11 नवंबर के नोट स्वीकार करने की छूट होगी। इस दौरान इन संस्थानों को प्रतिदिन अपने स्टॉक और बिक्री की सूचना रजिस्टर में रखनी होगी। सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर के पेट्रोल एवं सीएनजी गैस स्टेशन रिटेल आउटलेट जहां पर पेट्रोल डीजल और सीएनजी गैस की बिक्री के लिए भी 11 नवंबर की रात 12 बजे तक पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट स्वीकार करने की छूट होगी। इस दौरान प्रतिदिन अपने स्टॉक और बिक्री की सूचना रजिस्टर में रखनी होगी। शवदाह गृह, स्मशान गृह, क्रेमेटोरियम
ऐसी जगहों पर भी 11 नवंबर की रात 12 बजे तक पुराने 500 और 1000 रुपए के नोट स्वीकार करने की छूट होगी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेश से आ रहे या विदेश को जा रहे लोगों को अगर उनके पास पुराने 500 और 1000 के नोट है तो ऐसे नोटों की 5000 रुपया तक की राशि को नई एवं मान्य करेंसी नोटों से बदलने की सुविधा दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेशी मुद्रा या 5000 रुपये तक के पुराने नोटों को नई एवं मान्य करेंसी नोटों से बदलने की सुविधा दी जाएगी। इन सारी सुविधाओं के अलावा मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस पूरी प्रक्रिया में नॉन कैश लेन देन में, यानी चेक से पेमेंट हो, डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट हो, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो, अथवा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में कोई रुकावट नहीं आएगी। ये कारोबार पहले चलता था वैसा ही चालू रहेगा। इन सारे इंतजाम के बावजूद हमारे ईमानदार देशवासियों को अगर तकलीफ का सामना करना पड़ा तो अनुभव यह बताता है कि इस देश का सामान्य नागरिक देश की भलाई के लिए त्याग करने और कठिनाई सहने के लिए कभी भी पीछे नहीं रहता है। जब मैं सुनता हूं कि कोई गरीब विधवा एलपीजी सब्सिडी छोड़ने में आगे आती है, यह त्याग एक रिटायर्ड स्कूल टीचर में भी पाया जाता है जब वो पेंशन से स्वच्छ भारत कोष में अपना योगदान देने को आगे आता है। जब हम ये सुनते हैं कि गरीब आदिवासी मां बकरी बेचकर शौचालय बनाने के लिए पैसे लगा देती है, एक फौजी अपने गांव को स्वच्छ गांव बनाने के लिए 57,000 रुपये का दान देने के लिए आगे आता है, मैंने तो यह देखा है कि देश के सामान्य नागरिक की एक ही तमन्ना है कि वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, बस देश का कल्याण हो। अतः भ्रष्टाचार, काला धन, जाली नोट और आतंकवाद के खिलाफ जंग में हम लोग थोड़ी सी कठिनाई, वह भी कुछ दिनों के लिए, तो झेल ही सकते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि देश का प्रत्येक नागरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ शुचिता के इस महायज्ञ में एक जुट होकर के, मिल करके खड़ा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, दिवाली के पर्व के बाद अब ईमानदारी के इस उत्सव में, प्रामाणिकता के इस पर्व में आप बढ़ चढ़ करके हाथ बटाएं। मेरा पूरा विश्वास है कि देश के सभी राजनीतिक दल, राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थाएं, मीडिया, समाज के सभी वर्ग इस महान कार्य में सरकार से भी ज्यादा बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे, सकारात्मक भूमिका अदा कराएंगे और इस पवित्र कार्य को सफल बना के ही रहेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, ये बातें जब सब मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसी समय सरकार के अलग अलग विभागों को भी जानकारी हो रही है, बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, रेलवे हो, अस्पताल हो, उनके अधिकारियों को भी इस विषय की इसके पहले कोई जानकारी नहीं मिली है।
क्योंकि इस काम में गोपनीयता बहुत ही आवश्यक थी। ऐसी स्थिति में रिजर्व बैंक सभी बैंक्स और पोस्ट ऑफिस को कम समय में बहुत सारी व्यवस्था करनी उनके सामने है, बड़ा है। इस व्यवस्था में कुछ समय तो जाएगा, इसलिए रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया है कि 9 नवंबर को सभी बैंक पब्लिक कार्य के लिए बंद रहेंगे। नागरिकों को असुविधा होगी, मेरा पूरा भरोसा है कि बैंक और पोस्ट ऑफिस के काम करने वाले सभी साथी देश हित में इस पवित्र कार्यक्रम को सफलतापूर्वक परिपूर्ण करेंगे। भूतकाल में उन्होंने ये करके दिखाया है। मेरा जनता जनार्दन से इतना ही आग्रह है कि सभी नागरिक धैर्य रखते हुए सभी बैंक्स और पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों को सहयोग करें। यही मेरी उनसे आग्रहपूर्वक विनती है। बहनों और भाइयों, समय समय पर मुद्रा व्यवस्था को ध्यान में रखकर रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की सहमति से नए अधिक मूल्य के नोटों को सर्कुलेशन में लाता रहा है। 2014 में रिजर्व बैंक ने 5,000 और 10,000 रुपये के करेंसी नोट का प्रस्ताव सरकार को भेजा था, जिसे हमारी सरकार ने विचार विमर्श के बाद अस्वीकार कर दिया था। अब इस पूरी प्रक्रिया में रिजर्व बैंक द्वारा 2,000 रुपये के नए नोट के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है। पूरी तरह से नए तौर पर डिजाइन किए गए 500 रुपये और 2,000 रुपये के नए करेंसी नोट अब सर्कुलेशन में लाया जाएगा। रिजर्व बैंक अपने पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए करेंसी सर्कुलेशन में अधिक मूल्यों के नोटों का हिस्सा अब एक सीमा के अंदर ही रहे, इसके लिए रिजर्व बैंक आवश्यक प्रबंध करेगा। अंत में मेरे प्यारे देशवासियों, मैं यह दोहराना चाहता हूं कि किसी देश के इतिहास में ऐसे क्षण आते हैं जब हर व्यक्ति यह महसूस करता है कि उसे भी उस क्षण का हिस्सा बनना है, उसे भी राष्ट्रहित में, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना है। परंतु ऐसे क्षण हर किसी की जिंदगी में गिने चुने ही आते हैं। आज समय हमें फिर से एक अवसर दे रहा है। हर सामान्य नागरिक भ्रष्टाचार, कालाधन, जाली नोट के खिलाफ इस महायज्ञ में, इस लड़ाई में अपना योगदान दे सकता है। बहनों और भाइयों, आपसे इस प्रक्रिया में जितना सहयोग मिलेगा, शुद्धिकरण उतना ही सफल होगा। देश के लिए यह चिंता का कारण था कि भ्रष्टाचार और काले धन को जीवन का एक सहज हिस्सा मान लिया गया था। यह सोच आज हमारे राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक जीवन को दीमक की तरह खाए जा रहा। शासन व्यवस्था का कोई भी अंग इस दीमक से अछूता नहीं है। समय समय पर हमने देखा है कि भारत के सामान्य जनमानस को अगर भ्रष्टाचार और कुछ दिनों की असुविधा में से एक को चुनना हो
तो बेहिचक, मैं कहता हूं बेहिचक, मेरे देश का ईमानदार नागरिक असुविधा को तो चुनेगा लेकिन भ्रष्टाचार को कदापि नहीं चुनेगा। आपसे मैं फिर एक बार आह्वान करता हूं कि आइए, जैसे आपने दिवाली के पर्व में अपने घर और आस पड़ोस की सफाई की, वैसे ही सफाई के काम को आगे बढ़ाते हुए हम इस महायज्ञ में अपनी भी कुछ आहुति डालकर इसे सफल बनाएं। इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी सफाई के महापर्व में असुविधा को ध्यान में न रखते हुए आइए सभी शुचिता की दिवाली मनाएं, पूरे विश्व को भारत की इस ईमानदारी का उत्सव दिखाएं, पूरे देश में प्रामाणिकता का पर्व मनाएं, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके, काले धन पर नकेल कस सके, जाली नोटों का खेल खेलने वालों को नेस्त नाबूद कर सके, जिससे कि देश का धन गरीबों के काम आ सके। हर ईमानदार नागरिक को देश की संपन्नता में उसकी उचित हिस्सेदारी मिल सके। आने वाली पीढ़ी गर्व से अपना जीवन जी सके। मैं आप सबके सहयोग के लिए पूरे विश्वास के साथ 125 करोड़ देशवासियों की मदद से भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई को और आगे ले जाना चाहता हूं। मुझे विश्वास है आपका साथ, आपका सहयोग हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरक बनेगा। मैं फिर एक बार आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भारत माता की जय। मेरे प्यारे देशवासियों, आई होप यू एंडेड द फेस्टिव सीजन ऑफ दिवाली विथ जॉय एंड न्यू होप। टुडे आई विल बी स्पीकिंग टू यू अबाउट सम क्रिटिकल इश्यूज एंड इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। टुडे I want to make a special request to all of you. You may recall that economic situation in May 2014 when you entrusted us with an honors responsibility. In the context of BRICS, it was being said that the eye in BRICS was shaky. Since then, we had 2 years of a severe drought. Yet, in the last 2.5 years, with the support of 125 crore Indians, India had become the bright spot in the global economy. It is not just we who are saying this. It is being stated by the International Monetary Fund and the World Bank. In this effort for development, our motto has been Sabka Saath, Sabka Vikas.